अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू NLP प्रैक्टिशनर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले हम एक जनरल बात करते हैं। वो जनरल बात ये है कि हम लोग लाइफ में कुछ भी कर रहे होते हैं, वट एवर वी आर डूइंग, वट एवर वी आर ट्राइंग टू डू अपने आउटकम्स को अचीव करने में, इन दी एंड वी वॉन्ट रिजल्ट, वी नीड रिजल्ट। और इन रिजल्ट से पहले, चाहे रिजल्ट हमारे फेवर में हों या हमारे फेवर में ना हो, लेकिन इन रिजल्ट से पहले एक चीज़ चल रही होती है, हम इसको कहेंगे ABC फार्मूला ऑफ रिजल्ट। अच्छा, इसे ABC में क्या है? ABC में C से मुराद है हमारे रिजल्ट्स, ठीक है। C से पहले जो आता है वो आता है B। B का क्या मतलब होता है? B का मतलब ये है कि C में अगर हम रिजल्ट्स को रख रहे हैं तो B का मतलब ये है कि हम सारी स्ट्रैटेजी, सारी प्लानिंग, सारी हर किस्म की जो है वो प्लस एंड माइनस, प्रोज एंड कॉन्स, कैलकुलेशंस, एंड वी आर थिंकिंग कि जो C है उसकी रीज़न B है, यानी शायद B की वजह से C क्रिएट हो रहा है, बी की वजह से सी बन रहा है। बी में हमने क्या रखा था? बी में हमने रखा था हमारी प्लानिंग्स, हमारी स्ट्रेटजीज, हमारी इम्प्लीमेंटेशन, हमारे एक्शन प्लान्स, और उस वजह से हमने समझा कि सी प्रोड्यूस हो रहा है। जबकि एक स्टेप और भी पीछे है, बी से पहले एक और स्टेप आता है और वो है ए। ए का मतलब क्या होता है? इट्स नॉट अबाउट कि बी की वजह से रिजल्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि बहुत दफ़ा आपने ऐसा देखा होगा कहीं किसी एरिया में कोई बिजनेस स्टार्ट हुआ और बिजनेस बहुत सक्सेसफुल हुआ और किसी और शख्स ने उस बिज़नेस की स्ट्रैटेजी को कॉपी किया, उसके एक्शन प्लान को कॉपी किया, उसके मार्केटिंग प्लान को कॉपी किया, लेकिन वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाया जो पहले बिजनेस ने किए। जो बहुत सारे कॉपी पेस्ट आइडियाज़, बहुत सारे कॉपी पेस्ट बिजनेस आपके अपने एरिया में आपने देखे होंगे, एक बिजनेस स्टार्ट होता है, उसकी स्ट्रैटेजी को कॉपी पेस्ट करके दूसरा शुरू हो जाता है, लेकिन दूसरा उस तरह से सक्सेसफुल नहीं होता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि बी से पहले एक स्टेप और है और उस स्टेप का नाम है ए। ए से मुराद क्या है? ए से मुराद वो पर्सन है, हु इज द पर्सन हु इज इम्प्लीमेंटिंग दोज स्ट्रैटेजीज, द पर्सन हु इज हैविंग दोज एक्शन प्लान्स, द पर्सन हु इज हैविंग दोज स्ट्रैटेजीज, जिसकी वजह से रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो रिजल्ट्स बेसिकली बी की वजह से नहीं आ रहे, रिजल्ट्स ए की वजह से आ रहे हैं। स्टेपिंग में हमें बी बीच में नजर आता है, लिहाजा हमें कन्फ्यूजन ये हो जाती है कि शायद रिजल्ट्स बी की वजह से आ रहे हैं, जबकि रिजल्ट्स बी के बजाय ए की वजह से आ रहे हैं। और ए में क्या शामिल है? ए में शामिल होती है हमारी आइडेंटिटी, हमारा सेल्फ इमेज, हमारी सेल्फ एस्टीम, हमारी वैल्यूज, हमारे बिलीफ सिस्टम्स, हमारी एंकर्स, हमारा जो एक आइडेंटिटी, हमारी जो अंदर हमारे चल रही होती है, हमारी जो इनर वर्ल्ड चल रही होती है, जिसकी वजह से वो आउटर रिजल्ट, आउटर वर्ल्ड जो है वो क्रिएट होती है। सो ए इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन बी, एंड NLP इज़ ऑल अबाउट चेंजिंग योर ए। NLP इज़ ऑल अबाउट चेंजिंग द इनर एनवायरनमेंट। NLP इज़ ऑल अबाउट अपग्रेड योर आइडेंटिटी, अपग्रेड योर वैल्यूज, अपग्रेड योर थिंकिंग लेवल, अपग्रेड योर बिलीफ लेवल, अपग्रेड योर ऑल इनर बींग, अपग्रेड योर ऑल इवन वेल बींग। तो ए की वजह से जो एक्चुअल रिजल्ट्स हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसको हम सी कह रहे हैं। तो दिस इज़ द ABC फार्मूला ऑफ रिजल्ट्स या ABC फार्मूला ऑफ NLP। और नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत डेप्थ में बात करते हैं कि NLP कहाँ से स्टार्ट हुई, इसका मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है। सो थैंक यू सो मच फॉर नाउ।